वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर गुप्त काल व गुप्त वंश से संबंधित प्राचीन भारत के इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण विषय लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 436 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 436 से लेके 485 तक टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए। इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके बताना है, खुद का टेस्ट देना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक थे। चलते हैं अगले विषय, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी गुप्त काल से संबंधित है, अजंता कलाकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 438, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का वह राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है समुद्रगुप्त, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी पाली थी, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा। क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संस्कृत आएगा। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी, पाली नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे। इसका उत्तर ऑप्शन सी कुषाणों के सामंत थे गुप्त। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासक के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए आर्यभट्ट थे, गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ। अगला क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार महाकवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे महाकवि कालिदास। अगला क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी नालंदा बहुत प्रसिद्ध हुआ था उत्तर गुप्त युग में। अगला क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध कौन से शासक से है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए भानुगुप्त से है एरण अभिलेख का संबंध। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, कौन से शासनकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो इसका उत्तर गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विदेशी यात्री फाहियान कहाँ का निवासी था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी चीन का निवासी था विदेशी यात्री फाहियान। अगला क्वेश्चन, सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था।
इसका उत्तर है ऑप्शन डी वाकाटक, जो सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय वाकाटक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका उत्तर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका उत्तर समुद्रगुप्त था परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध था तो किससे संबंध था? तो इसका उत्तर हूण से संबंध था मिहिर कुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी मोखरी थे, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले। अगला क्वेश्चन, वह गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपपदवी धारण की थी, ग्रहण की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? इसका उत्तर ऑप्शन सी उसकी उंग्रोधता के कारण कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान खींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित करके और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। अगला क्वेश्चन, सर्व राजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ने धारण की थी सर्व राजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी चिकित्सा से है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम। अगला क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए रामगुप्त था, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? इसका उत्तर ऑप्शन सी आर्यभट्ट था, भारतीय विद्वान था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान गणित में 10 प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी गुप्त युग को है, वर्तमान गणित में 10 प्रणाली आविष्कार का श्रेय। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक
कृतियों में होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अभिज्ञान सांकुतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी गुप्त है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त युग। क्वेश्चन नंबर 4.2, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन है उपज का 1/6 थी गुप्त युग में भू राजस्व की दर। अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन है गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका उत्तर एरण अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला उल्लेख। अगला क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी भानुगुप्त से है एरण अभिलेख का संबंध। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों का एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी अग्निमित्र था महाकवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए प्रयाग अभिलेख में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति पतन से संचालित होता था। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी रूपक कहलाते थे गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 485, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा नगर था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।